जहां जो लेबर काम करती थी बिहार यूपी वहां क्या बुरा हाल है, छोटे छोटे जो जो थे रोजगार दे क्या से दोगे। आपने ये बता दिया हम पहले लोगों को दावा देंगे, ये नहीं सरकार खुद दो कोरोना महामारी को प्रदेश सरकार हर रोज नए नए कानून बनाकर नए अध्यादेश लाकर नए फरमान जारी करके देश में प्रदेश के किसान व्यापारी उद्योगपति या आम जनता को नजायज तंग करने पर तुली हुई है। हाल ही में भी केंद्र सरकार ने 3 नए अध्यादेश जारी करके देश के किसान व आढ़तियों को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार ने आढ़ती और किसान का भाईचारा खराब करने की नाकाम कोशिश की है, जबकि सदियों से हमारा किसान और व्यापारी के साथ चोली दामन का साथ है, था और रहेगा। नए प्रमाण में किसान को फसल के उचित दाम नहीं मिलेगा, जिसमें ये कहा गया मंडी के अंदर अगर कोई भी फसल आएगी उस पे मार्केट फीस लगेगी और अनाज मंडी के बाहर मार्केट फीस नहीं लगेगी। इससे किसान के फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे, मंडियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। एक नया फरमान और जारी करके ये कहा गया है कि देश में जो बड़ी बड़ी रिलायंस जैसी कारपोरेटर कंपनियां हैं वो किसान की फसल कहीं भी खेत के अंदर कहीं भी गांवों में अपनी फसल को किसान से वो फसल खरीद सकती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जब खेतों में किसान की फसल का एग्रीमेंट एडवांस में होगा और सीधे फसल खरीदेगी, इसका मतलब किसान के फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे, पौने पौने दामों में किसान की फसल के बड़े बड़े कारपोरेटर खरीदेंगे और खुले भाव में ज्यादा ज्यादा रेटों में बेचेंगे। सरकार की अगली योजना यही है कि जो फसल MSP रेट पर खरीदी जा रही है वो MSP की सिस्टम को खत्म किया जाए। नई अधिसूचना के अंदर यह तो स्पष्ट कर दिया कि बड़े बड़े घराने सीधी फसल खरीद सकते हैं, पर उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि भी मैं MSP से कम अनाज की खरीद नहीं होगी। इससे साफ सिद्ध होता है कैसे भी किसी रेट के अंदर वो बड़े घराने किसान की फसल को खरीद सकता है और किसान मजबूरी के अंदर जैसे हालात आप देश में चल रहे हैं उसको अगली फसल के लिए खाद बीज भी चाहिए, परिवार के लिए राशन भी चाहिए और व्यवस्था के लिए पैसे चाहिए, तो ये पौने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हो जाएगा। किसान इससे पूरी तरह से लूटेगा पीटेगा बर्बाद होगा, ये पूरी तरह से गलत कानून है। अगर ये अध्यादेश को हरियाणा सरकार लागू करती है तो प्रदेश का व्यापारी खुले तौर के ऊपर पूरे हरियाणा की मंडियों में हड़ताल करके बंद करके सड़कों पे उतरेगा और उसके बाद व्यापार मंडल पूरे हरियाणा के अंदर
हरियाणा बंद करना पड़ा तो हरियाणा बंद भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हरियाणा, ये तो बेरोजगारी या अपराध दोनों के अंदर अव्वल नंबर के ऊपर है, प्रथम स्थान के ऊपर है। सरकार कहती है कि हम प्राइवेट सेक्टर और उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बड़ी अच्छी बात है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने घोषणा तो कर दी 75% बेरोजगारों को रोजगार देंगे उद्योग के माध्यम से, पर आपने ये तो नहीं बताया जो उद्योग बंद हो चुके हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण, या उद्योग बंद हो चुके हैं कोरोना महामारी के कारण, व्यापार उद्योग ठप हो चुके हैं, आपने उनके लिए क्या फैसिलिटी दी, क्या योजना बनाई? सरकार को ये नियम लागू करने से पहले ये घोषणा करनी चाहिए थी कि हरियाणा के अंदर जो भी कोई नया उद्योग लगाएगा सबसे पहले हम उसको सस्ती जमीन देंगे, जो बिजली के बिल होंगे उसके अंदर 50% सब्सिडी देंगे, बैंकों के ब्याज में छूट देंगे, हर प्रकार की सुविधा व राहत देंगे। वो तो आपने घोषणा करी नहीं, और आप गोदिया छोड़कर पेट आने की आस करना चाहो, जब आप मान रहे हो कि अब लगातार कितने पूरे देश के अंदर व्यापार व उद्योग लगभग 60% ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, आपने जो बंद उद्योग थे उनको चालू करने के लिए कोई योजना लागू नहीं करी। इस कोरोना महामारी के अंदर व्यापारी और हर प्रकार की गरीब जनता की, जरूरतमंद की, व्यापारी उद्योगपतियों ने मदद करी, मगर आपने क्या करा? लॉकडाउन के अंदर जो दुकानें बंद थी, जो फैक्ट्री बंद थी, उसके कम से कम 6 महीने के बिजली के बिल, पानी के बिल आपने माफ करने चाहिए थे, 1 साल का हाउस टैक्स माफ करना चाहिए था, 6 महीने के बैंकों के ब्याज माफ करने चाहिए थे, आपने वो अभी तक नहीं किए। कैसे इस संकट के अंदर व्यापार का उद्योग उभरेगा, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। गांव सदर में छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे सब बंद हो चुके हैं, गांवों में कहां है, जो हर चीज बनती थी वो आज के दिन कुछ भी नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति देख लो, प्रदेश के अंदर कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी उद्योगपति व आम जनता के साथ लूटपाट, प्रोक्ति, अपहरण, हत्या, यहां तक कि अनेकों चोरियों की वारदात ना हो। यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रदेश का व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है, अपने कानून व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार सुधार नहीं लाए। जब जिस प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर खराब होगा, उस प्रदेश के अंदर कौन सा पड़ोसी राज्य उद्योगपति उद्योग लगाने की गलती करेगा? मैं नहीं समझता कोई पड़ोसी राज्य का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाएगा। सरकार को लाइन ऑर्डर में व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा और राहत देने की जरूरत है, ताकि बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से रोजगार मिल सके। अगर सरकार अच्छा फैसला लेगी, व्यापारी उद्योगपति आम जनता के हित में, बेरोजगारों के हित में, सबसे पहले स्वागत करने वाला व्यापार मंडल होगा हम। इस सरकार का गलत फैसला जो होगा उसका विरोध करना और तो अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना हमारा धर्म है, और उस धर्म को हम निभाते हुए हम पूरी तरह से एक सजग की भूमिका हरियाणा में निभाते हुए हमें किसी प्रकार का भी आंदोलन करना पड़े हम किसी किसी की मत पर पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा 15 दिनों के अंदर किस प्रकार अंबाला के अंदर युवा 25 साल के युवा की हत्या कर दी,
नरवाने के अंदर एक सीकट की डब्बी के ऊपर रतन लाल गर्ग की चक्कू मार के हत्या कर दी, ऊना में गोली मार दी, जींद में गोली मार दी, रोहतक में सरपंच को गोली मार दी, गुड़गांव कोई ऐसा स्टेशन देख लो, हरियाणा में ऐसा कोई जिला खाली नहीं है जहां लोगों की हत्याएं ना हो रही हो, जिसका मुख्य कारण प्रदेश में बेहताशा बेरोजगारी होना है। ये बड़ा भारी चिंता का सबके लिए विषय है, सरकार के लिए भी है और हमारे लिए भी है। हम चाहते हैं प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, सरकार को उसके लिए पहल करनी होगी। सरकार तो हर रोज कहती हम ये करने जा रहे हैं, हम छूट देंगे। अरे भाई, इतने कोरोना महामारी के अंदर भी मतलब सब्जी और फलों पर 2% मार्केट फीस लगाकर किसान ने आम जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। एक तरफ तो लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे थे, भूखे प्यासे सड़कों पर चल रहे थे, आपको रियायत देने के बजाय लोग तो खाना बांट रहे हैं, सब्जी बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज बांट रहे हैं, चप्पल बांट रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और आप उनको सुविधा देने के बजाय, रियायत देने के बजाय आप सब्जियों फलों पर 2% मार्केट फीस लगा रहे हो। कब लगा रहे हो? कोरोना महामारी के अंदर जो सैनिटाइज आपके सामने, जो लोग गरीब आदमी हर व्यक्ति लूट के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्था फ्री में मास्क और सैनिटाइज बांट रही है, उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ाकर 18% टैक्स लगा रहे हो। ये कौन सी सरकार दुश्मनी काट रही है जनता के साथ, गरीबों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसान के साथ? सरकार को अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार अगर टैक्सों में कमी करेगी, सरकार किसानों को सुविधा रियायत देगी, मंडियों को बचाने के लिए, बसाने के लिए जो मार्केट फीस समाप्त करेगी और जो भी सुविधा देगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार के खजाने में ना तो धन की कमी रहे और ना हरियाणा के अंदर बेरोजगारी रहे। आज देखिए मार्केट फीस, जीएसटी, इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, व्यवसाय कर, हर प्रकार के जितने अजूले पुजूले टैक्स है, प्रदेश और देश की जनता भर रही है, भर के सरकार का खजाना भर रही है। उसके बावजूद भी ना हमें सुविधा मिल रही है, ना हमें कोई रियायत मिल रही है, ना हमें कोई सुरक्षा मिल रही है, तो कैसे प्रदेश के अंदर व्यापार बढ़ेगा, देश में व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा? ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। राहत पैकेज की बात